आज के समय में हम हर चीज में अच्छी सुविधा का ध्यान रखते हैं, चाहे वो ट्रैवल के वक्त इस्तेमाल होने वाला खाना हो या कोई ड्रिंक्स। चीजों को सही तरीके से स्टोर करना और उन्हें संभाल कर रखना भी उतना ही जरूरी है जितना उनका इस्तेमाल करना। पैकेजिंग आज के वक्त में किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। तो चलिए आज आपको ऐसे ही एक पैकेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, जो है टिन कैन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। असल में टिन लोहे की तुलना में कम रिएक्टिव और हल्का भी होता है। टिन कैन में भोजन काफी समय तक खाने योग्य रहता है और जल्दी खराब भी नहीं होता है। टिन कैंस का इस्तेमाल पेंट, थिनर और ऑयल जैसे उत्पादों को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे में आज मार्केट में टिन कैन की डिमांड और मार्केट वैल्यू भी काफी बढ़ चुकी है। अगर आप भी टिन कैन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ इस प्रकार हैं। आपको बता दें कि टिन कैंस को तैयार करने में रॉ मटेरियल के तौर पर CRC शीट्स, रिंग्स, लैच, हैंडल्स और पेंट्स का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के CRC शीट्स को ऑथराइज्ड वेंडर से प्रोक्योर करना होगा। अगले स्टेप में प्रोडक्ट के डायमेंशन के अनुसार शीट को स्लिटिंग मशीन से कट किया जाता है। फिर उन शीट्स को शीट रोलिंग मशीन की मदद से रोल करके सिलेंड्रिकल शेप दिया जाता है। इस स्टेप के बाद सबसे पहले इस सिलेंड्रिकल शीट की स्पॉट वेल्डिंग की जाती है, जहां शीट के दोनों किनारों को जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद सीम वेल्डिंग मशीन की सहायता से इसके बचे हुए पोर्शन को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। अब अगले स्टेप में इन कैन के साइड वॉल्स पर बीडिंग की जाती है, जिसके बाद पावर प्रेस मशीन की मदद से कैन के बॉटम और टॉप कंपोनेंट्स को तैयार किया जाता है। फिर वेल्डिंग मशीन की मदद से बॉटम, टॉप और बॉडी को असेंबल करके जोड़ दिया जाता है। साथ ही आवश्यकता अनुसार टॉप सरफेस में लैच, रिंग्स और हैंडल को असेंबल किया जाता है। कुछ इस प्रकार टिन कैन मैन्युफैक्चरिंग होती है। फिर तैयार हुए कैंस को पेंटिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि टिन कैन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में गैंग स्लिटर मशीन, शीट रोलिंग मशीन, स्पॉट वेल्डिंग मशीन, सीम वेल्डिंग मशीन, कैन बीडिंग मशीन, पावर प्रेस, कैन फ्लैंजिंग मशीन, कैन सीमिंग मशीन, फ्लैंज लॉकिंग मशीन, सीम वेल्डिंग कॉपर इलेक्ट्रोड व्हील, स्पॉट वेल्डिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स और मिसेलेनियस एसेट्स जैसी मशीन और इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है। पैकेजिंग मटेरियल की डिमांड के कारण ये बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है। ये बिजनेस आपके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है। ये प्लांट लगभग 5000 से 6000 स्क्वायर फीट एरिया में सेट किया जा सकता है। इस बिजनेस के लिए 20 किलोवाट से 30 किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की जरूरत होगी। इस बिजनेस के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 8 ट्रेंड वर्कर्स हमें चाहिए होते हैं और 4 से 5 हेल्पर्स की जरूरत होती है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 20 से 25 लाख तक के इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके लगभग 400 से 500 पीसेस पर डे तैयार किए जा सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करके 15% से 20% तक का प्रॉफिट भी आप आराम से कमा सकते हैं। अगर आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही PMEGP योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही शानदार बिजनेस आइडियाज के लिए उद्यमी ऐप को अभी डाउनलोड करें और विजिट करें उद्यमी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.udyami.org.in पर। बिजनेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7526000444 पर भी संपर्क कर सकते हैं।